श्रीवास्तव जी का रुख कर लेती हूँ। कपीश जी, अब जैसे जयंत चौधरी आपके ही साथी हैं, उन्होंने वो खुद नहीं गए, अपने समर्थकों तो को भेजा है, आज वो इस यात्रा में वो झंडे उनके समर्थक नजर आ रहे हैं। साथ ही राकेश टिकैत नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके लोग तो वहां पर मौजूद हैं। कम से कम अखिलेश यादव ऐसा तो कर सकते थे। सबसे पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि झंडे से समर्थन नहीं दिखता, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां स्वेच्छा से शामिल नहीं हो रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उनके हाथ में झंडा हो तभी आप उनका समर्थन माने। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं आपको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पूरे मनोयोग से समाजवादी पार्टी भारत जोड़ने वालों के साथ खड़ी है, भारत तोड़ने वालों के साथ कतई नहीं खड़ी। और जिस पार्टी को यही ना मालूम हो कि भारत एक खोज, विविधता में एकता का प्रदर्शन है, खाली ऊपर से हेडलाइन पढ़ लेने से किताब की जानकारी नहीं होती। उस किताब को लिखने के लिए जेल के अंदर 14 साल अपने पेन में जो रक्त की स्याही भरी होगी नेहरू जी ने, शायद हमारे गिरी साहब नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी नाखून नहीं कटाया स्वतंत्रता आंदोलन। और आज देखिए, चंचल राय साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, और उन्होंने ये कहा जिस तरीके से ये यात्रा हो रही है, सभी लोगों को ऐसी यात्राएं करनी चाहिए और देश का अध्ययन करना चाहिए। ये इतना बड़ा देश है, इतनी विविधताओं से भरा देश है, इतने कल्चर है, 50-50 किलोमीटर पे बोरी बदल जाती है, लोगों की आवश्यकताएं बदल जाती है। ये तो ऐसे लोगों की पार्टी है जिन्होंने परिवार बसाया ही नहीं, तो जानेंगे क्या कि परिवारों में क्या कष्ट है। नहीं, आप और देश समर्थन की बात कर रहे थे कि दिखाई नहीं दे रहा, चलिए झंडा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लाल टोपी भी तो नहीं दिखाई दे रही है, अक्सर तो कैप लगाकर ही पहुंचते हैं। तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि लाल टोपी क्यों खोज रही है, लाल रंग का रक्त हम सब में है और समाजवाद किसमें नहीं है, सारे लोगों का। मैं तो यहाँ से खुला कह रहा हूँ कि हम लोग उसमें शामिल है। कपीश श्रीवास्तव का शरीर ना ढूंढे, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, जहां हमारी पार्टी है आज देखिए, आलू लैंड में समाजवादी पार्टी का पंचम लहरा रहा है, तो वहां संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ, बेरोजगारी पे ही बात हो रही है। वो भी इसी भारत यात्रा के क्रम में हमारी भी यात्रा चल रही है, वो भी भारत यात्रा है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं कपीश जी बार बार पूछ रही हूं कि अलग अलग यात्राएं निकाल कर अलग अलग बात कर कैसे 24 में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना करेंगे। नीतीश जी बार बार कह रहे हैं कि अकेले नहीं, एकजुट होगा, एकजुट होना होगा, छत के नीचे आना होगा, तभी ये लड़ाई लड़ पाएंगे, लेकिन अभी शायद ये समझ में नहीं आ रही है उनकी बात। कपीश जी जल्दी थोड़ा, मैं अनुपम जी फिर पवन जी की बात खत्म करता हूँ। एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ, इस यात्रा को आप 2024 के इलेक्शन से ना जोड़े, ठीक है, इसलिए ना जोड़े कि ये तो कांग्रेस भी कह रही है, हम सारे लोग कह रहे हैं, ये भारत जोड़ने की यात्रा है, ये मुद्दों को उठाने की यात्रा है, जिसकी जहां ताकत है वो उस ताकत के साथ लगा हुआ है और इनको रोकेगा। लेकिन हकीकत यही है कि 2024 का मंजर अलग होगा, विपक्ष समूचा एक साथ एक चलिए उसका भी इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं 23 में तस्वीर कितनी बदल पाती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।